Among the given solutions of potassium permanganate, that is KMnO4, which one has the highest concentration of water in it? हमें कुछ सॉल्यूशंस गिवन है, मीन्स फोर ऑप्शंस गिवन है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है किस में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है, मीन्स कौन सा जो है सबसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है. डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है. अगर चार ऑप्शंस को आप देखो तो आपको नज़र आएगा चारों में वॉल्यूम सेम है सबके अंदर, दैट इज़ 100 cm³. चारों के अंदर हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 100 cm³. तो अब हम किससे पहचानेंगे, हम पहचानेंगे KMnO4 की कंसंट्रेशन से. तो सबसे कम जो कंसंट्रेशन है वो किस में है, ऑप्शन बी में, दैट इज़ 0.01 मोलर. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है, जिसमें हमें सबसे कम कंसंट्रेशन मिल रही है KMnO4 की, मीन्स उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर की. जो सबसे डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसी में वाटर की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए करेक्ट आंसर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्टूडेंट फॉर हिज रिसर्च प्रिपेयर्ड 1.25 मोलर पोटेशियम क्लोराइड स्टॉक सॉल्यूशन. व्हाट वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन विल ही यूजेस टू फर्दर प्रिपेयर अ 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर. एक स्टूडेंट है, उसने अपनी रिसर्च के लिए 1.25 मोलर स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है, जिससे वो चाहता है 0.2 मोलर 250 ml में डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए. सबसे पहले तो हम डेटा बनाते हैं. हमें स्टॉक सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन थी 1.25 m, और उसका वॉल्यूम हमसे पूछा गया कि हमें उसका कितना वॉल्यूम चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए. और हमारा रिक्वायर्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.2 मोलर, और उसका वॉल्यूम है 250 ml में हमें बनाना है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करो, जैसे M1V1 इसी का स्टो M2V2 यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे स्टॉक और डाइल्यूट था इसलिए मैंने स्टॉक के लिए S यूज़ किया और डाइल्यूट के लिए D. मैंने वैल्यूज पुट कर दी, स्टॉक सॉल्यूशन की मोलारिटी, उसका वॉल्यूम उससे पूछा तो वो एक्स है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलारिटी और उसका वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो तो आंसर आ रहा है 40 ml. मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, दैट इज़ 40 ml. 40 ml रिक्वायर्ड होगा हमें 1.25 m सॉल्यूशन का 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए 0.2 मोलर का. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन. सोल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज. तो फॉग, बटर और ब्रॉन्स क्या है, सोल्यूशन है. अमोनिया इज नॉट द सोल्यूशन बिकॉज इट इज नॉट द होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ कंपाउंड, दैट इज NH3. तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, दैट इज अमोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस अ सोल्यूशन. सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर हैविंग वन और मोर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट. प्योर कंपाउंड से हमने ए और ऑप्शन डी को इनकरेक्ट किया, और हेटरोजेनियस मिक्सचर से हमने सी ऑप्शन को इनकरेक्ट किया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर हैविंग वन और मोर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज द करेक्ट डेफिनेशन और करेक्ट स्टेटमेंट विच डिफाइंस अ सॉल्यूशन. व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 32 g ऑफ पोटेशियम सल्फेट, दैट इज K2SO4 इन 350 cm³ ऑफ सॉल्यूशन. और हमें मोलर मास गिवन है, तो ऐसे सवालों को हमें सॉल्व करना होता है. तो सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सबसे पहले तो हम डेटा लिखते हैं, ठीक है. मास हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, 32 g. वॉल्यूम हमें कितना गिवन था, 350 cm³. cm³ और मिलीलीटर एक ही बराबर होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 350 ml लिखा जान मुझ के, ताकि आपको याद रहे. cm³ और ml, दैट इज़ मिलीलीटर, एक ही बराबर होते हैं, ठीक है. लेकिन हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं लीटर में या dm³ में. तो जब मैंने 350 को डिवाइड किया 1000 से, तो मेरे पास वो कन्वर्ट हो जाता है 0.35 लीटर, ठीक है. 1000 से डिवाइड करने पे ये कन्वर्ट हुआ. और मोलर मास भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज़ 174 g/mol. इसको सॉल्यूशन करने के दो मेथड है. पहले मेथड में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने का क्या फॉर्मूला है, मास डिवाइड बाय मोलर मास. मास की वैल्यू और मोलर मास की वैल्यू हमने पुट कर दी फॉर्मूले में, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए. मैंने कैलकुलेटर करके कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है, आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं.
फिर मोलारिटी के फॉर्मूले में हमने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दी, और जो वॉल्यूम हमें गिवन था, याद रहे वॉल्यूम की वैल्यू डीएम क्यूब या लीटर में पुट होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया था वॉल्यूम को। नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लिया तो मेरे पास मोलारिटी आ जाती है। ये एक मेथड था। पहले मेथड में हमने क्या किया, दो स्टेप में सॉल्व किया, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, फिर नंबर ऑफ मोल्स को मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। सेकंड मेथड बहुत इजी है, अगर हम मोलारिटी का फॉर्मूला याद कर ले, मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मास की जगह मास की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, मोलर मास की जगह मोलर मास की वैल्यू पुट कर दी, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी। तो हमने जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया, 32 को डिवाइड किया 174 से और 0.35 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.52। मींस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है। दोनों ही मेथड से जो है हमारे आंसर सेम आते हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर लो, जो भी आसान लगता है, ठीक है। और हमेशा याद रहे वॉल्यूम को हमेशा लीटर में या डीएम क्यूब में पुट करते हैं, चूंकि डीएम क्यूब और लीटर एक ही बराबर होता है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। एमएल और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज एन एरिया कवर्ड इन फॉग। तो फॉग किस चीज़ का सोल्यूशन है? फॉग आपको पता है लिक्विड होते हैं गैस के अंदर, ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है। यहाँ पे सोल्यूट क्या है? लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है? गैस। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है, दैट इज फॉग इज अ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इज इनकरेक्ट। मीन्स तीन डिफरेंसेस करेक्ट है और एक डिफरेंस इनकरेक्ट है। सॉल्यूशन, इट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इट फॉर्म्स होमोजीनियस मिक्सचर, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन के तीनों पॉइंट्स करेक्ट है। इट अपीयर्स ट्रांसलूसेंट, ये रॉन्ग था। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। इट लीव्स रेसिड्यू ऑन फिल्ट्रेशन, इट फॉर्म्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट मे शो टिंडल इफेक्ट। ये तीनों पॉइंट सस्पेंशन के करेक्ट है, जो इनकरेक्ट के वो ऑप्शन क्या है, इट अपीयर एज अ ट्रांसपेरेंट, ये रॉन्ग ऑप्शन। चूंकि दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी में थे, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि हमसे बोला गया था कि इनकरेक्ट पहचाना है, तो इनकरेक्ट दोनों ऑप्शन कहाँ थे? ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट।